हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा आपका नमस्कार फैला। तो दोस्तों, एक नई दिन की एक नई शुरुआत का मैं हूं उत्तराखंड के हसीन वादी दानिश मेहता। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको बुढ़िया कुत्ता कहां मिलता है इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी दूंगा। आप उसे कैसे खरीदे, कहां से खरीद सकते हैं इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे ब्लॉग पर। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भोटिया कुत्ते के बारे में। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय कुत्ता है दोस्तों उत्तराखंड में, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है और इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि ये कहाँ आखिर कहाँ मिलता है, और दोस्तों इसकी जो फर्स्ट प्रजाति है दोस्तों, जो ओरिजिनल प्रजाति है, वो कहाँ पर हमें मिलेगी। तो देख लियो, ये एक तिब्बत मस्टी प्रजाति के कुत्ते होते हैं, जो दिखने में काफ़ी खतरनाक और दोस्तों शांत स्वभाव के होते हैं, जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग में देख रहे होंगे। तो देख लियो, आपने बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे दोस्तों, कुछ इंग्लिश डॉग भी देखे होंगे, विदेशी डॉग, और दोस्तों कुछ हमारे देश के कुत्ते भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डिमांड रहता है और भोटिया कुत्ता है दोस्तों, क्योंकि इसका शांत स्वभाव और दोस्तों कई चीज़ें हैं दोस्तों जो कि इस कुत्ते को दोस्तों ज़्यादा लोकप्रिय बनाती हैं। तो देख लियो, ये कुत्ता भूटान से लेकर दोस्तों कश्मीर के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। तो देख लियो, ये कुत्ता दोस्तों बकरवाल लोग अपने साथ रखते हैं, अपने साथ पालते हैं दोस्तों उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तराखंड में ये डॉग कहाँ मिलते हैं। तो देख लियो, ये डॉग उत्तराखंड के बकरवाल लोग अपने साथ रखते हैं दोस्तों, अपने भेड़ों के साथ, और इनको इसको भी पालते हैं। तो देख लियो, ये पहाड़ी बकरवाल तो दोस्तों जो भी पहाड़ी क्षेत्र में बकरवाल होते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर होते हैं। उनके बाद दोस्तों ये भोटिया कुत्ते तीन तीन चार होते हैं, और दोस्तों एक ही आदमी दोस्तों इन कुत्तों के सहारे दोस्तों 300, 400, 500 बकरियाँ एक साथ चला लेता है और एक साथ पाल लेता है, जैसा कि दोस्तों अभी आप समझ गए। दोस्तों पहाड़ में तो इसकी डिमांड है ही है दोस्तों, और दोस्तों शहरों में भी दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और दोस्तों इसका कट खाने देख के दोस्तों, इसका साइज़ देख के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो देख लियो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप भोटिया कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इसको काफ़ी दोस्तों ठंडे इलाके में रखना पड़ेगा, आपको ठंडी जगहों पर रखना पड़ेगा, और दोस्तों कभी भी अपने साथ नहीं सुलाना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए अलग सी जगह और ठंडी जगह होनी चाहिए दोस्तों, और इसको पेट भर खाना मिलना चाहिए, तभी दोस्तों ये अपने साइज असली साइज में बढ़ पाएगा, नहीं तो दोस्तों ये और देख लियो ये उतना बड़ा नहीं हो पाएगा अगर आप दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो। तो देख लियो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहाड़ क्षेत्र में दोस्तों भोटिया कुत्ता बहुत ही कम जगह पर दोस्तों काफ़ी गिनी चुनी संख्या में ही बचे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ क्षेत्र में इनकी प्रजातियां मिल चुकी है दोस्तों, जो पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों के कुत्ते होते हैं दोस्तों, और इन कुत्तों की जो प्रजाति है दोस्तों वो आपस में मिक्स हो चुकी है, तो इसलिए दोस्तों काफ़ी कम भोटिया कुत्ते बचे हुए हैं दोस्तों, जैसा कि अभी आप ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। और दोस्तों इनके पिल्ले जो होते हैं दोस्तों, इनके बच्चे जो होते हैं, और दोस्तों जो निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं मिक्स प्रजाति के पिल्ले दोस्तों, ये एक लगभग सेमी लगते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि कौन भोटिया है और दोस्तों और कौन सा दोस्तों मिक्स प्रजाति का है। तो देख लीजिए, इसके पिल्ले भोटिया कुत्ते के पिल्ले भी दोस्तों काफ़ी अच्छे दिखते हैं, जैसा कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दोस्तों इसके पिल्ले दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 दोस्तों इस टाइप से इनका रेट होता है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में दोस्तों। अगर देख लियो, आप भोटिया कुत्ता बड़ा कुत्ता खरीदने की सोच रहे तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये कुत्ते काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, और दोस्तों इनको आप अपने साथ दे जाएंगे तो दोस्तों ये वहाँ से भाग के वापस दोस्तों जिस जहाँ पर ये बड़ा हुआ है दोस्तों वहीं आ जाएगा। और देख लियो, ये नई जगह पर अपने मालिक को नहीं दिखता तो दोस्तों ये खाना पीना भी बंद कर देता है, जैसा कि दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा। तो देख लियो, ये उत्तराखंड के जो चार धाम है दोस्तों, इनके आसपास जो गांव है दोस्तों वहां पर मिलता है वो, तो दोस्तों आपको वहां जाना पड़ेगा गांव में, और दोस्तों वहां गांव में जाके दोस्तों पूछना पड़ेगा। तो देख लियो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो दोस्तों आपको बागेश्वर उत्तरायणी दोस्तों मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लोग अपने भोटिया कुत्ते के दोस्तों जो पिल्ले होते हैं उनको बेचने के लिए आते हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो देख लियो, दूसरी जगह है मुनछारी दोस्तों, मुनछारी में दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रजाति के भोटिया कुत्ते देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कई सारे भोटिया प्रजाति भी रहती है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों कई सारे बकरवाल लोग भी रहते हैं दोस्तों, जिनके पास दोस्तों 4-5 कुत्ते होते हैं, भोटिया कुत्ते होते हैं दोस्तों, जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और दोस्तों जिनके पास प्योर प्रजाति पाई जाती है। और दोस्तों ये मुनछारी में दोस्तों जौलजीवी मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पर ये बेचने के लिए लाते हैं मुनछारी में ये लोग कुत्ते के पिल्ले, हालांकि दोस्तों ये थोड़े महंगे होते हैं, 7-8 हज़ार तक मिलते हैं दोस्तों इसके पिल्ले, लेकिन दोस्तों आपको ओरिजिनल मिलेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक का और दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा दोस्तों, यहाँ पर जाके आप मुझे SMS कर लेना, और दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपको कब आना है दोस्तों। और मैं मुनछारी के दोस्तों आसपास गाँव में रहता हूँ, और दोस्तों मेरे गाँव से दोस्तों मुनछारी बहुत ही नज़दीक पड़ता है दोस्तों, और मैं आपको भोटिया कुत्ता दिला सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप मुझे SMS करना दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा,
और दोस्तों तो भी फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।